मुंगरा बादशाहपुर के कैथा फुत्तूपुर अनुसूचित जाति की बस्ती में एक भयंकर बीमारी लोगों को अपाहिज बना रही है। समस्त जिला के सक्षम अधिकारियों को इसकी कोई चिंता नहीं है। हमारी संवाददाता किरण मिश्रा की विशेष रिपोर्ट। फैतूपुर विधानसभा मुंगरा बादशाहपुर, यहाँ की ऐसी परिस्थिति है कि क्या हम बोले, आप खुद ही देख सकते हैं। लेकिन यहाँ की कैसे अपनी जिम्मेदारियों से सरकार, विधायक, प्रधान मुंह मोड़ रहे हैं। उनको कौन समझाए कि यहाँ के लोगों की साथ दे, उनको इलाज करवाए, भविष्य बने इन लोगों की। इसी के साथ मैं किरण मिश्रा, जिला जौनपुर, कैथा फत्तूपुर क्षेत्र। माहौल बना हुआ है, एक और छठ। कितना बड़ा गांव है ये? अरे साहब, गांव तो बड़ा है। ये पूरा गांव ग्राम सभा है। पूरे ग्राम सभा में 6 बाथरूम खाली आया है। प्रधानमंत्री बोले हैं एक गांव में खाली 6 बाथरूम देना, ऐसा प्रधान का कहना है। और गरीब जो अच्छे अच्छे हैं उनके भी बाथरूम बन गए हैं। जिनके लिए आया है, खास करके जो गरीब हैं, उनके आगे पीछे कोई नहीं है, कहीं जा नहीं सकते वो, कि बाजू में बोला प्रधान की शौचालय दे दे सुविधा। लेकिन ऐसा बोल रहे हैं प्रधान कि यहाँ पे नहीं आया, तुम लोग का आया ही नहीं है बाथरूम। ये तो बहुत पहले से। कितना उम्र है आपकी? 20 साल के है। कितने सालों से ये है बीमारी? ये 3 साल तो भाई नहीं, बड़े बाद भगा है। 3 साल के थी तभी से? हाँ। तो इलाज नहीं करवाए? करावत रहे अपन, जहाँ होत रहा का कही जाए। चकुइया हाथों में पैर से फेंक दिया है मेरी न्यूज। क्या नाम है बेटा? रोशनी। रोशनी, कितने दिन से ये हो रहा है? 2 साल। 2 साल से हो रहा है। और इलाज के लिए इलाज करवाने कहीं गए थे? नहीं, ले गए जौनपुर तक, ले गए। आपके मम्मी पापा हैं? पापा हैं, मम्मी नहीं। मम्मी क्या हुआ था? यहीं से खत्म हो गया। मम्मी को भी ऐसा ही प्रॉब्लम था? हाँ, इसी प्रॉब्लम में खत्म हो गई। और आप क्या क्या नाम है? साधना नाम। साधना नाम है। आपको कितने दिन से हाथ पैर में दर्द हो रहा है? 2 साल से। 2 साल से ऐसे धीरे धीरे मुड़ते जा रहा है। हाँ। कहीं दवा के लिए गए थे? हाँ। ऐसे ही बच्चे हैं, 3 साल का ये भी बच्चा है, इसका भी हालत यही है। इस गांव में जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चे की ऐसी है। लेकिन ना कोई प्रधानमंत्री की, ना मुख्यमंत्री की, ना यहाँ के विधायक की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। आइए इनसे पूछते हैं। आप ऐसे हमें आज 4 साल से ऐसे मतलब दर्द उठी, एक बाद 2 साल से मतलब गोड़ ऐसे टेढ़ा हो जाता है। और दर्द कमर से रहती, कमर से रात रात पूरा शरीर ही मर जाती, इतना दर्द हो जाता, कोनो सहाय नहीं जाता। और यहाँ दवाई दर्द खाई खाई आप। कोई चेकअप करने नहीं आया था? कोई नहीं आया था यहाँ सर। कहीं पे आप गए थे बोलने के लिए कि ऐसा ये गांव में हो रहा है? या वही कल जौनपुर, वहाँ इलाहाबाद गए थे, वहाँ भी डॉक्टर को इलाज ही नहीं किया, चले आए लौट करके। पर्ची फेंक दी, वहाँ कोई इलाज नहीं हुआ, कोनो इलाज नहीं किया, तब फिर भी चला आए लौट लौट घरे। आज कर रहा है आपका उत्तर प्रदेश, छोटे छोटे बच्चों का भविष्य अंधकार में पड़ा जा रहा है। इन बच्चों से पूछिए, इनके माँ बाप से पूछिए, रात भर नहीं सोते हैं, रात भर रोते हैं, अपने जीवन के भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं, कोई ध्यान नहीं। सरकार अंधी हो चुकी है, सब अपना पेट भरने के लिए नेतागिरी करते हैं, कोई गरीबों की रक्षा करने के लिए नेतागिरी नहीं करते हैं। गरीबों को तो मजाक बना लिए ये सरकार, गरीबों को मजाक बना के रख दी है। इन बच्चों का विकास कैसे हो इसके विषय में ये सरकार नहीं सोचती है। इनकी दवा कैसे हो, इनका जांच कैसे हो, इनका परीक्षण कैसे हो, वैज्ञानिकों को बुला के शोध कैसा करवाया जाए, अब कोई डॉक्टर यहाँ नहीं दिखते हैं, सब अपने में मस्त, सब जेब भरने में मस्त हैं, और कोई जनता का ध्यान नहीं है। ये गांव देख ही रहे हैं, हम कुछ बता नहीं सकते इस गांव की कैसी हालत है, आप खुद देख सकते हैं। हम मानते हैं कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री यहां तक नहीं आ सकते, लेकिन संदेश देने पे वो जांच भेज सकते हैं, यहां पे कार्रवाई करवा सकते हैं, जाके ये लोग की भविष्य बन सके। लेकिन उन ऐसा कान में तेल डाल के बैठ गए हैं, ऐसा कोई काम नहीं हो रहा है।